नमस्कार, बोल किला आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। भारतीय जनता पार्टी को आखिरी लाइसेंस किसने दिया कि वे वोटों के लिए हमारे सैनिकों की शहादत का इस्तेमाल करें, हमारी सेना का इस्तेमाल करें और जब उसका मन करे हमारी सेना का भी अपमान करें? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल किला आजाद है तेरे। आज मैं आपके सामने बात क्यों रख रहा हूं दोस्तों, आपके सामने ये आदमी है अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का मुखिया। दर्जनों बार ये आदमी झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। कायदे से इस व्यक्ति को कारावास में होना चाहिए, मगर ये व्यक्ति लगातार झूठ बोलता है और इसके ट्वीट्स कई बार घातक भी होते हैं। अब इसने अपमान किया है भारतीय सेना का और वो मैं आपको बतलाने वाला हूं कैसे। इसने गलत बयानी की है दोस्तों, और इसे प्रेरणा किसी और से नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है, क्योंकि यही बात प्रधानमंत्री ने संसद में कही थी, मगर इसने दो कदम और आगे जाकर झूठ बोला है और इसे एक्सपोज किया है कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमित मालवीय ने क्या गलत बयानी की आपके स्क्रीन पर। अमित मालवीय यहां कह रहा है और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दिया, सम्मान दिया। गौर कीजिएगा आखिरी पंक्ति में, स्पष्ट है नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दिया, सम्मान दिया। इसके कहने का अर्थ यह है कि राजेश पायलट सुरेश कलमाड़ी का अचानक मन में ख्याल आया कि चलो मिजोरम चलते हैं और वहां बम गिराना शुरू करते हैं, और ऐसे लोगों को इंदिरा गांधी ने सम्मान दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये भारतीय सेना का अपमान नहीं, इंडियन एयरफोर्स का अपमान नहीं तो और क्या है? क्या ये बतलाना चाह रहा है कि भारतीय वायुसेना अपने ही हिसाब से काम करती है, अपने मन के हिसाब से काम करती है, राजनीतिक आकाओं की पिछलग्गू है, उनकी गुलाम है? और इस तरह से बयान देने का अधिकार इसे दिया किसने? पहली बात, जो बात इसने कही है सरासर झूठ है, और तथ्यों के साथ सचिन पायलट ने बाकायदा दोस्तों ये खत पेश किया है जिसमें उन्होंने बताया कि दरअसल राजेश पायलट कमीशन कब हुए थे, कौन सी तारीख में हुए थे, इस बात की जानकारी इस खत में है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सचिन पायलट ने दरअसल कहा क्या अपने पिता के बारे में, अंग्रेजी में हिंदी दोनों में है, उस पर गौर कीजिएगा। You have wrong dates, wrong facts, Amit Malviye. Yes, as an Indian Air Force pilot, my late father did drop bombs, but that was on erstwhile East Pakistan during the 1971 Indo-Pak War and not as you claim on Mizoram on 5th of March 1966. He was commissioned into the Indian Air Force only on 29th October 1966. जिसका सर्टिफिकेट उन्होंने पेश किया है। जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हिंदी में वो क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। यह कहना उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूरी तरह से भ्रामक है। हां, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि 1966 में दरअसल हुआ क्या था। 1966 में एक पृथकतावादी संगठन ने आइजवाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और सेना को पहुंचने में देरी थी, लिहाजा इंदिरा गांधी ने एयरफोर्स के विमानों को भेजा और एक पृथकतावादी ताकत के कब्जे से पहले उसे बचा लिया। यानी कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने उस डर से पहले हमारे आइजवाल को बचा लिया जिसके चलते आइजवाल देश से जुदा हो सकता था। और भारतीय वायुसेना ने जो अदम्य साहस दिखाया उसका मजाक अमित मालवीय बता रहा है एक झूठ के सहारे।
याद कीजिए दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान यही बात प्रधानमंत्री ने कही थी और एक बार फिर एक भ्रामक जानकारी दी थी, ये कहते हुए कि इंदिरा गांधी सरकार ने बेकसूरों पर बमबारी की। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। 5 मार्च 1966, इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। मैं फिर आपसे पूछता हूं दोस्तों, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पुलवामा हमलों के तुरंत बाद एक चुनावी सभा में खड़े होकर कहा था कि आपका पहला वोट कुल गामा के लिए मिल सकता है यार, जबकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि पुलवामा की शहादत पर राजनीति नहीं होगी, वोट नहीं मांगे जाएंगे, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर कहा था। जबकि पुलवामा में जब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, इस सरकार को कटघरे में रखा जाना चाहिए था। हमले से पहले एक नहीं दो नहीं करीब 11 बार चेतावनी आई थी और उस चेतावनी में कहा गया था कि ऐसा बड़ा हमला हो सकता है। आरडीएक्स से लदी वो गाड़ी आखिर हमारे जवानों की गाड़ियों के पास कैसे पहुंच गई? आपके स्क्रीन पर देवेंद्र सिंह आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है और फिर कहता है खेल मत बिगाड़िए, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। उस देवेंद्र सिंह का क्या हुआ कोई नहीं जानता है, मगर आज जो मैं आपके सामने अहम मुद्दा उठा रहा हूं, यही उठा रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से हमारे सैनिकों का अपमान करने का अधिकार है कि जब चाहो उनके नाम पर वोट मांगो, जब चाहो इस तरह के अनर्गल बयान करो। पिछले 9 सालों में, और मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, सैनिकों के अदम्य साहस का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल किया है, कई मामलों में उसे मजाक बनाकर रख दिया है। सीधा सवाल, 1966 में मिजोरम की बमबारी के बारे में प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि बेकसूर लोगों पर बमबारी कराई गई थी? क्या प्रधानमंत्री ये नहीं जानते हैं कि आइजवाल में MNF नाम के एक पृथकतावादी संगठन का कब्जा हो गया था? और ऊपर से फिर अमित मालवीय झूठ बोला है तारीख को लेकर, राजेश पायलट को बेवजह घसीट रहा है, उस बात की जानकारी बाकायदा इस सर्टिफिकेट के जरिए कि आखिर कब कमीशन हुए थे राजेश पायलट, बता रहे हैं उनके बेटे सचिन पायलट। क्या एक सैनिक के शौर्य से जुड़ा जो जज्बा होता है, उसकी गरिमा होती है, उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं बीजेपी को? वो छोड़िए दोस्तों, आज आप जानते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि है दोस्तों, मगर इस मौके पर भी राजनीति की जा रही है। तमाम लोग इस मौके पर भी, यानी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भी अनर्गल बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही कर रहे हैं, विपक्ष को गाली दे रहे हैं। अरे कम से कम अटल जी के उन शब्दों पर गौर कर लो कि सत्ता आएगी जाएगी मगर ये देश बना रहना चाहिए। बार बार अटल जी कहते थे मतभेद बेशक हो, मनभेद नहीं होने चाहिए। 3 मिसाल दोस्तों मैं आपको एक एक करके देना चाहूंगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, यहां पर देखिए उनका बयान, वो कह रहे हैं ये मौका नहीं है ऐसे मौकों पर राजनीतिक बयान देने का, पहले तो ये कहते हैं, उसके बाद आगे देखिए। मगर भारतीय लोकतंत्र के 3 बड़े दुश्मन हैं, तुष्टिकरण, वंशवाद और भ्रष्टाचार, उन्हें भारतीय राजनीति को छोड़ना चाहिए। यानी कल प्रधानमंत्री ने लाल किले पर खड़े होकर जो बात कही थी उसी को दोहरा रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती, अब आपके स्क्रीन पर अनुप्रिया पटेल, वो कह रही हैं कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से बिखर गई है, पूरी तरह से मायूस है, वो जानते हैं कि 2024 में भी जनता जो है उन पर विश्वास नहीं जतलाएगी और उनके लौटने का, सत्ता में दोबारा लौटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो एक मायूस विपक्ष कुछ भी बोलती रहती है, मगर इस देश की जनता का पूरा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। माननीय अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं सुनिए। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे सहयोगी बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितलाएंगे, और जब उन्हें तीसरी बार मौका मिलेगा
तो हम इस देश में विकास की एक अभूतपूर्व लहर लेकर आएंगे। अरे भाई, तो पिछले 9 सालों से क्या कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात, अटल जी की पुण्यतिथि पर राजनीतिक बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन, कहीं ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे सैनिकों की शहादत का बेजा इस्तेमाल करती है, हमारे सैनिकों की शौर्य का मजाक उड़ाती है, और कहीं इस तरह से पुण्यात्मा की पुण्यतिथि पर राजनीतिक बयानबाजी करना? क्या शालीनता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है भारतीय जनता पार्टी में? क्या मौके की गरिमा का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है? कुछ भी अकबक बकते रहते हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोग। सैनिकों का अपमान करना बंद कीजिए, पुण्यतिथि के मौके पर राजनीतिक बयान देना बंद कीजिए। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।